जो बीपी भी रहता था, थायराइड रहती थी, उन्हें काफी मेडिसिन ले रहे थे और डायबिटीज इस लेवल की थी, काफी सीरियस लेवल की थी, 400-500 नॉर्मल सी बात थी, और उनको दोनों टाइम इंसुलिन लेना पड़ता था, तो फ्लक्चुएट रहती थी, काफी ठीक नहीं हो पा रही थी। और इतनी ज्यादा शाम का दो बार नहीं ट्रांसप्लांट हो चुके थे, तो चलने फिरने में भी लिथार्जिक रहते थे, बहुत ज्यादा चल फिर नहीं पाते थे, बहुत सुस्ती थे, नाम तो ये कॉमन बात होती थी, घर का भी कुछ काम नहीं करते थे, तो बहुत दिक्कत हो रही थी हमसे। किसी तरह सिस्टम मिला तो यहाँ पे जब आए तो काफी अच्छा रिजल्ट आया, जो हमें कभी बिलीव नहीं होता था। तो जब शुरू किया तो पहले महीने से फर्क आना शुरू हो गया, और विद इन सिक्स मंथ उनकी डायबिटीज नॉर्मल हुई, थायराइड नॉर्मल हुई, बीपी नॉर्मल हुआ, और उनका जो वेट है 15 kg वेट उन्होंने कम किया, जो कि नहीं होता था। बहुत सारे ट्रीटमेंट करे हमने, ये सोना बेल्ट किया और बहुत सारी सिलमोना टेबलेट खाई, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, तो वेट कम 1-2 किलो कम होता था, फर्क पड़ता था, डाइटिशियन को भी दिखाया, लेकिन इतना वेट कभी कम नहीं हुआ। तो उनका वेट कम हुआ, आज वो मेंटेन कर रहे हैं अपनी हेल्थ को, और डायबिटीज नॉर्मल है, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, कोई डॉक्टर विजिट नहीं है हमारी, बहुत ही अच्छी, और काफी एनर्जी लेवल उनका बहुत अच्छा रहता है, घर में खुद ही सारा काम करते हैं, एटलीस्ट अब 62 उनकी हो गई है, तो सारा काम खुद ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैंने भी इंस्पायर होकर शुरू किया, तो मेरी भी हेल्थ काफी लिथार्जिक रहता था, और स्पेशली मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती थी, और अंडरवेट हो चुका था, एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती थी, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां खाता था। तो जब यहाँ आया तो दवाइयां बिल्कुल छूट गई, और आज करीब 4 साल हो गए, ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले, 1-2 महीने कम है, तो अभी मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा, और जैसा मैम अभी बता रहे थे, जुकाम उन्हें होता है, होता था मौसम के हिसाब से, तो मौसम के हिसाब से मेरी बॉडी भी इफेक्ट करती थी, इम्यूनिटी बहुत लो था, तो अभी कोई जुकाम नहीं होता, 4 साल से मुझे बिल्कुल जुकाम नहीं हुआ है, अच्छे रिजल्ट आए, और एनर्जी काफी रहती है, और एटलीस्ट 65 छोटी मेरे रह गए, तो ऐसा लगता है कि मैं वापस अपनी 50s में आ गया हूँ, ऐसा लगता है मुझे, तो इतनी एनर्जी रहती है, और बहुत अच्छा लगता है, और काफी लोग इंस्पायर भी होते हैं, मेरे घर में भी लोग कहते हैं, मेरे बच्चे कहते हैं, और कि काफी फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है हेल्थ में। तो इस तरह से जो न्यूट्रिशन है पूरी हमारी फैमिली में आ गया, सभी लोग यूज करते हैं न्यूट्रिशन, बच्चे भी यूज करते हैं, बेटी बेटा, तो सभी को बहुत सारे बेनिफिट हुए, और नॉट ओनली वेट लॉस, लेकिन एनर्जी लेवल बहुत हाई रहा, और मेडिसिन बिल्कुल बंद हो गई, डॉक्टर विजिट जीरो है ऑलमोस्ट। तो थैंक यू करना चाहूंगा सिस्टम का, स्पेशली पारिस्टर का नाम है उनका, जिन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया, और न्यूट्रिशन जिसे बनाया मार्क यूज का, कि हम अपनी लाइफ में इतना बदलाव लेके आ पाए और बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय करें। तो ये था मेरा रिजल्ट। अब मुझे टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है नेचुरल चीजों से, तो नेचुरल चीजें कुछ हैं, नेचुरल जो है, जो हमारी जो नेचर ने गिफ्ट दिया है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत सारा गिफ्ट दिया है हमें, तो उनमें से कुछ 3-4 चीजों को डिस्कस करूंगा, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो 3-4 चीजों को डिस्कस करूंगा। उनमें एक है जिंजर, गार्लिक, सिनेमन और ब्लैक पीपर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो न्यूट्रिशन तो बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग है वो, जो हम डेली जो डाइट लेते हैं तो उसमें हमें कुछ चीजें ऐड करना चाहिए, तो ऐड कर सकते हैं, हमें काफी उससे हमें बेनिफिट होने वाला है, तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या बेनिफिट है। तो आइए डिस्कस करते हैं जिंजर और गार्लिक के बारे में, अदरक और लहसुन। कुछ लोग लहसुन नहीं खाते, हम भी पहले नहीं खाते थे, लेकिन अब खाना शुरू कर दिया, राजस्थान में बहुत खाया जाता है जिंजर और गार्लिक, है ना। तो जिंजर के बेनिफिट और गार्लिक का कॉम्बिनेशन, कॉम्बो लेते हैं कुछ लोग, कुछ अलग अलग सब्जियों में डालते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं। तो आजकल ब्रेड भी जिंजर गार्लिक ब्रेड आती है तो हालांकि वो स्टफ जो है डिफरेंट हो जाता है, वो फास्ट फूड में कैटेगरी में आता है, KFC वगैरह में मिलता है गार्लिक ब्रेड, तो उस तरह से, बट गार्लिक अलग से लेना बहुत जरूरी है, ये सब्जी में डालें, किसी तरह डालें तो वो ठीक रहता है, अपनी डाइट में ऐड करें जिंजर को, तो उसके क्या बेनिफिट है डिस्कस करते हैं। तो एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है ना, कोई बीमारी को बढ़ने नहीं देता ये, और हमारा सेलुलर डैमेज जो होता है, हम जो डेली लाइफ में एक्सरसाइज और ये सब करते हैं, रात के दौड़ते हैं, तो उसमें सेलुलर जो डैमेज होता है उसको रोकने में काफी मदद करता है, डैमेज नहीं होने देता, ये होता है जल्दी क्लियर हो जाते हैं, उसमें एनर्जी इतनी रहती है, हर डिजीज को भी रिड्यूस करता है, रिड्यूस करने में काफी मदद करता है, कॉग्निटिव हेल्थ हमारी ब्रेन हेल्थ को काफी अच्छा करने में मदद करता है, डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी है, डायबिटीज जो डायबिटिक है उनके लिए बहुत अच्छा रहता है लहसुन और ये जिंजर, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती है उसमें, और हमारी इम्यून हेल्थ को अच्छा करता है। तो आइए और थोड़ा डिटेल में इसे ड्रिल डाउन करते हैं, स्टडी करते हैं। इसमें और क्या होता है, हाई कैल्शियम होता है इसमें, जो कि कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए बहुत जरूरी है, टीथ के लिए, बोन्स के लिए बहुत जरूरी है, मसल्स के लिए भी जरूरी होता है, काफी चीजों के लिए जरूरी होता है हमारी बॉडी में, और इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, डाइटरी फाइबर भी मिलता है, पोटेशियम मिलता है, विटामिन सी मिलती है,
हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी थी। इंसुलिन इंसुलिन अभी इंसुलिन डेवलपमेंट में काफी मदद करता है। दूसरे और बेनिफिट हम देखते हैं वेट लॉस गोल जो लेते हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, उसे अपनी डाइट में ऐड करें, उससे वेट लॉस में भी काफी मदद करता है। आपके मेटाबॉलिज्म को काफी बूस्टअप करता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो हमारा एनर्जी लेवल अच्छा मिलेगा और हमारा वेट भी नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल जितनी स्टोर होगी। और जो गार्लिक है कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा माना जाता है, कोलेस्ट्रॉल को भी नॉर्मलाइज करने में काफी मदद करता है। कभी 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 डॉक्टर डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको मेडिसिन साथ साथ इस डाइट के बारे में बताएं, लेकिन फिर भी कभी कभी डॉक्टर बोल ही देते हैं थोड़ा सा लेसन यूज कर सकते हैं एक तरह से। तो और ये फैट को रिड्यूस करने में काफी मदद करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है उसमें भी काफी ये हेल्प करता है। और 3 से 4 ग्राम पर डे ले सकते हैं इसको जिंजर को, है ना, पर डे ले सकते हैं और ऑन एन एवरेज। और गार्लिक जो है 1 to 2 cloves यानी 1-2 पीस ले सकते हैं, एक या दो डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशन, क्योंकि थोड़ा गर्म भी होता है इसलिए तो विंटर में ज्यादा ठीक रहता है, और अगर समर्स में लेते हैं तो थोड़ा सा उस हिसाब से बॉडी के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं अपनी डाइट में, ऐड कर सकते हैं। बेली फैट को रिड्यूस करने में काफी हेल्प करता है। और कहा जाता है गार्लिक एट नाइट, अगर रात में सोने से पहले थोड़ा गार्लिक ले लेंगे तो हमें फास्टर स्लीप आने में काफी मदद करता है, क्योंकि इसमें जिंक होता है, हमारी स्लीप फास्टर आती है, जल्दी से नींद आती है, लोगों को देर से नींद आती है ना काफी देर से, तो इसमें काफी मदद करता है। जिंजर के और भी क्या क्या फायदे हैं, तो हमारी हेयर ग्रोथ में काफी मदद करता है, स्किन के लिए अच्छा है, और स्टोमक अपसेट हो जाए जिन लोगों का तो उसके लिए भी काफी अच्छा रहता है, अच्छा माना जाता है। क्लीन जो बॉडी एक्ट होता है उसमें भी काफी अच्छा माना जाता है, किडनी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बॉडी को डिटॉक्स करने में काफी मदद करता है। ठीक है, यही बात रही गार्लिक और जिंजर की। अब बात करते हैं सिनेमन की, यानी दालचीनी जैसे बोलते हैं, आने मीठी लगती है। एक चीज मैं शेयर करूंगा, मैंने श्रीलंका विजिट किया था, एक बार गया था ऑफिस की तरफ, तो वहां पे टाइम मिला तो वहां पे मैंने ट्री देखे सिनेमन के ट्री, और श्रीलंका इज द बर्थ प्लेस ऑफ सिनेमन, सिनेमन का बर्थ प्लेस कहलाया जाता है। तो वहां विजिट किया क्लोजली, एक रिवर से गए और वहां जाके देखा तो वहां पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो मुझे बताया दिखाया कि भाई कैसे क्या होता है। बेसिकली क्या होता है, पेड़ जो स्टेम होता है स्टेम को काट के जिसमें बार्क होता है, जो उसकी छाल जिसे बोलते हैं स्किन होते हैं उसका बनता है, और बाकी जो अंदर की जो बोन जो लकड़ी होती है उसको जलाने में काम आता है, वो किसी काम नहीं आती, सिर्फ जलाते हैं उसे, तो सिर्फ जो छिलका है वो काम का होता है। तो वहाँ एक सर्टेन टेम्परेचर, इसलिए वहां पे बर्थ प्लेस है उसका, क्योंकि वहाँ एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, और पानी चाहिए उसे, रेनफॉल कितना होना चाहिए उस हिसाब से वहाँ उसके लिए सुटेबल एनवायरमेंट है। वैसे बहुत सारे वियतनाम और कई जगह पाया जाता है, हमारे इंडिया में भी और यहाँ पाया जाता है तमिलनाडु में, पर बहुत कम है, सबसे ज्यादा वहाँ पाया जाता है। तो वो क्या करते हैं, वैसे बार को निकालेंगे, बार को से रबिंग करते हैं, कुछ प्रोसेस होता है उनका, उन्हें निकालते हैं और खा के खिला के दिखाते हैं। तो खा के देखा था तो उसमें क्या है, स्वीटनर होता है, मीठा होता है, तो उसके क्या फायदे हैं, तो ये थोड़ा सा पिंच ज्यादा लेना ठीक नहीं है, ज्यादा तो कोई भी चीज हार्मफुल होती है, थोड़ा सा सब्जी में डालना है या दूध में कुछ डाल के पीते हैं सिनेमन को, तो ये बहुत ही पावरफुल है। तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है इसको, एक तरह दवाई का जैसा काम करता है, एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी है ना, हर डिजीज में काफी हेल्पफुल रहता है, इंसुलिन को इम्प्रूव करता है, ब्लड शुगर को लोअर करने में काफी मदद करता है, न्यूरो डिजीज ब्रेन रिलेटेड जो भी डिजीज होती है उसमें भी काफी हेल्पफुल है, कैंसर प्रोटेक्शन प्रॉपर्टीज भी है, ये फायदा है, बैक्टीरियल फंगल इंफेक्शन हो जाता है जिन लोगों के लिए, उनके लिए काफी हेल्पफुल है। किसी भी डाइट में ऐड कर सकते हैं अपने स्पाइसेस में या कैसे भी यूज कर सकते हैं। टूथ के लिए भी हेल्पफुल है, बैड ब्रीथ, हमारे बैड ब्रीथ आती है, इसमें एक फ्रेग्रेंस होती है, अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, तो वो जो कि जो बैड ब्रीथ काफी मदद करती है, और एंटी वायरल प्रॉपर्टी भी है इसमें, वायरल इन्फेक्शन को कम करता है, इसकी सारी प्रॉपर्टी बड़े फायदे बनते हैं, तो इसे अपनी लाइफ में या अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ब्लैक पीपल, टाइम भी देख रहा हूँ, यस ब्लैक पीपल के बारे में बात करेंगे, तो ब्लैक पीपल भी बहुत अच्छी ऐसे भी डाइट में ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छी, इसमें मैगनीज होता है एक, तो और मैगनीज क्या है, बोन हेल्थ के लिए और बोन हीलिंग के लिए, जो घाव हो जाता है उसमें काफी मददगार होता है, मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को हमारे नॉर्मलाइज करता है, तो ये काफी अच्छा माना जाता है। तो हमें डेली डाइट में से ऐड कर सकते हैं, बट लेस क्वांटिटी, बहुत ज्यादा ना लें, थोड़ा सा लें,
कैंसर्स में भी काफी हेल्पफुल होता है, डाइजेशन सिस्टम हो रहा ठीक करता है और कंस्टिपेशन को रिलीव करने में काफी मदद करता है, नॉर्मलाइज करने में। स्किन प्रॉब्लम जो होती है उनमें काफी हेल्पफुल होता है और गुड फॉर हेयर्स, हेयर्स के लिए भी अच्छा होता है हमारे, और वेट लॉस में भी काफी मददगार होता है। डिप्रेशन जिन लोगों को रहता है तो वो थोड़ा सा इसको यूज कर सकते हैं, उसमें काफी हेल्पफुल होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा उसमें नॉर्मलाइज करने का मदद करता है, सांस लेने का सिस्टम, हमारे लंग्स वगैरह हैं वो सब वो कंपोनेंट्स उसमें काफी हेल्प करता है। जॉइंट पेन या आर्थराइटिस जिन लोगों को है वो थोड़ा सा ले सकते हैं इसे। और कोल्ड एंड कफ में, कफ में जो पुराने जो लोग हैं मतलब हमारे जो फादर ग्रैंड फादर जो बताते थे कि भाई कफ में थोड़ा सा ले लो, अभी जुकाम हो गया है, कोल्ड हो गया, थोड़ा ब्लैक पीपल ले लो, काली मिर्च बोलते हैं। और डिटॉक्स, बॉडी को डिटॉक्स भी करता है, डिटॉक्स प्रॉपर्टी भी होती है इसमें, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है ये, तो इतनी सारी इसमें प्रॉपर्टीज हैं। और ब्रेन हेल्थ के लिए भी, मेमोरीज के लिए भी अच्छा माना जाता है ये, और कोलेस्ट्रॉल में भी काफी हेल्पफुल होता है, तो गुड बैक्टीरिया मतलब गुड बैक्टीरिया को डेवलप करने में मदद करता है। तो और हमारी एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ाता है, जो हमारी आंतें हैं वो एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिशन को, तो एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ाता है। स्पेशली कैल्शियम एंड सेलेनियम जो दो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम तो गुड फॉर टीथ एंड बोन्स, और सेलेनियम हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, तो उसको एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ाने में मदद करता है। एब्जॉर्ब जब ज्यादा होगा तो ज्यादा उसका बेनिफिट ले पाएंगे। लीवर एंड बोन्स के लिए बहुत अच्छा, जैसे इससे पता चलता है ये है। तो इसे हम सलाद में भी डाल सकते हैं, सलाद में नमक के लिए मना किया जाता है, नमक नॉर्मली लोग खाते हैं, तो नमक को कम से कम करें और इसकी पिंच दो पिंच डाल सकते हैं, है ना। लोग जो नॉन वेज ऑमलेट खाते हैं उसमें भी डाल लेते हैं, अच्छा रहता है। और पाइन एपल स्ट्रॉबेरीज खाते हैं अगर पाइन एपल, तो उसमें भी डाल के खाएं तो टेस्टी भी लगेगा और बेनिफिशियल ज्यादा रहेगा। और पोटैटो मैश करके खाते हैं, जो कुछ लोग फास्ट करते हैं तो पोटैटो में डाल के खा सकते हैं। यस, नॉन वेज है, चिकन में खा सकते हैं, चिकन में ले सकते हैं और वेजिटेबल्स में भी इसे खा सकते हैं। तो ये रहा था आज मेरे चार टॉपिक, इनका बहुत ध्यान रखें, चार जो है नेचुरल गिफ्ट दाल एंड जर एंड सिनेमन एंड लास्ट दिस वन, तो काली मिर्च बहुत अच्छी चीज है। तो थैंक यू करना चाहूंगा आप सभी का कि आपने पर्सनली सुना। ओवर टू पारिस सर, थैंक यू। वंडरफुल, हम सभी लोग मिले सुंदर से क्लैपिंग करेंगे वर्मा जी के लिए। बहुत सारी चीजें जो आपके रसोई में होती है वो चीजें आपको बताई है और हम ढूंढ रहे होते हैं मेडिसिन बाहर। ये चार चीजें जो है आप सबकी रसोई में डेफिनेटली होंगी, इनको सही तरीके से आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो बहुत और अच्छे रिजल्ट आपके आ सकते हैं। क्योंकि हमारा जो खाना है वो हमारे लिए दवा काम करता है। अगर आप खाने को सही तरीके से खाते हो तो दवाओं की जरूरत ही नहीं पड़ती, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप खाने को सही से नहीं खाओगे तो दवाओं की जरूरत बहुत सारी पड़ेगी, तो हमें दवाओं से बचना है। तो हमारे जो घर के अंदर ऐसे खाने हैं जो हमें स्वस्थ रख सकते हैं, जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज यानी कि दवाओं वाला असर होता है, अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम दूर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर रोजाना सेशन क्लोज करने का, इन्होंने शेक किया, थैंक यू, उन्होंने नहीं दिया है आपके लिए भी थैंक यू। जल्दी पियो, शाम को मिलेंगे अगेन अफ्रेश शेक के साथ में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।